हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एजु हब ऑनलाइन क्लासेज सब्जेक्ट एक एग्रीकल्चर बायोलॉजी चैप्टर फॉर कीट नियंत्रण की विधियाँ। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के अंतर्गत हम डेफिनेशन और नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया था। उसके अंदर पीड़क नाशियों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका था। और उस पीड़क नाशियों के वर्गीकरण में फर्स्ट पॉइंट आता है कीटनाशी रसायन। यहाँ पर कीटनाशी जो शब्द है का अर्थ कीटों का नाश करने वाले, कीटों का नाश करने वाला पदार्थ वो कहलाएगा कीटनाशी रसायन। कीटनाशी रसायन जो होते हैं इनका परिणाम जो होता है वो बहुत ही जल्द यानी कि तीव्र मिलता है। इनके उपयोग से ये सरल उपयोग कर सकते हैं, इनमें कोई कठिनाई नहीं होती उपयोग करने में, सस्ते होते हैं, रिजल्ट बहुत ही फास्ट आते हैं। रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग करते हैं उनका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, यानी कि कीटों का नियंत्रण सबसे पहले भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण और कृषण नियंत्रण के माध्यम से, इन विधियों के माध्यम से उनकी समष्टि को कम करना चाहिए। फिर भी आवश्यकता के अनुसार यदि कीटों की संख्या एक सीमा से अधिक हो जाती है जिसमें वो अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, उस स्टेज के अंदर हमें कीटनाशियों का उपयोग करते हैं, कीटनाशी रसायनों का उपयोग करते हैं, जो कि आवश्यकता अनुसार हम इनका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा आवश्यकता अनुसार। कीटनाशी जो होते हैं इनमें विषैले पदार्थ पाए जाते हैं जो कि कीटों की समष्टि को बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही जल्द उनको पूर्ण रूपेण भी खत्म कर सकती है। पूर्ण रूपेण किसी भी समष्टि को बहुत ही तीव्र गति से खत्म कर सकती है। ये रसायन कीटों को भगाने या प्रतिकर्षित करने के काम आते हैं। कीटनाशी रसायनों का उपयोग जो है वो बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, जिसमें सबसे पहले सल्फर का उपयोग, इसके बाद आर्सेनिक का उपयोग। सल्फर का जो उपयोग है इसको कि गंधक नाम से भी जाना जाता है, इस गंधक का या सल्फर का जो उपयोग है वो ईसा से 100 वर्ष पूर्व से इसका उपयोग किया जा रहा है और आज तक इसका उपयोग किया जाता रहा है। इसके बाद में आर्सेनिक, इसका उपयोग भी कीटनाशियों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग 40 एडी से किया जाता है और इसके बाद में डीडीटी डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डीडीटी का उपयोग भी कीटनाशियों के रूप में किया जाता है, कीटनाशी रसायन के रूप में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। इस डीडीटी की फुल फॉर्म जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका उपयोग जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
1939 ईस्वी में इसकी खोज हुई, और खोज होने के बाद में से लेकर अब तक इसका उपयोग हम कीटनाशी रसायनों के रूप में करते आ रहे हैं। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद में संश्लेषित रसायनों का उपयोग कीटनाशी के रूप में बढ़ गया, यानी कि संश्लेषित रसायनों का जो उपयोग है वो कीटनाशियों के रूप में अधिक किया जाने लगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो यहाँ से कीटनाशी जो रसायन है वो पॉइंट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम कीटनाशियों का उपयोग करते हुए कौन कौन से रसायनों का उपयोग हम बहुत ही प्राचीन काल से इसमें करते आ रहे हैं।